हेलो दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल कर रूपा दत्ता एक ट्रस पॉकेटमारी के आरोप में अरेस्ट हुई। रूपा दत्ता बैग से मिली इतनी रकम। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रूपा दत्ता को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। रिपोर्टर के मुताबिक रूपा दत्ता को पॉकेटमारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला के दौरान की है। ईटानगर उत्तर पुलिस स्टेशन सूत्रों के मुताबिक बीते शनिवार एक महिला को डस्टबिन में बैग फेंकते देखा। पुलिस को उस पर शंका हुई, जिसके बाद पूछताछ में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। और दोस्तों, शक होने पे पुलिस ने महिला से पूछताछ शुरू की, जिसके साथ ही बैग की तलाशी भी ली गई, जिसमें पुलिस को कई मनी बैग मिले। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक्ट्रेस के पास 75,000 रुपये की बरामदी हुई है। पुलिस के मुताबिक रूपा दत्ता वही अभिनेत्री है जिन्होंने कुछ साल पहले अनुराग कश्यप पर सेक्सुअल हेरासमेंट का आरोप लगाया था। पुलिस पूछताछ में इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार एक्ट्रेस के पास इतने रुपए आए कहां से हैं। इस दौरान महिला ने पॉकेटमारी की बात कबूल कर ली है। महिला का कहना है कि वो अगर मेलों, उत्सव और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पर्स चोरी किया करती थी। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला के समय महिला की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।